नमस्कार। स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, जिसकी किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता की समझ। इस वीडियो में हम पाठ में आई महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा आज का अध्ययन बिंदु है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, वेदकली, अत्याचार के अनेक उदाहरण मिले हैं। यानी हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है या उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। शायद आपने पढ़ा होगा हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। हिटलर ने वहां कई लाख लोगों को धर्म के आधार पर मार दिया था, यानी धर्म के आधार पर उन्होंने लोगों को मारा था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इसराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। यानी ये भेदभाव है, ये निरंतर चलता आ रहा है। कभी कोई धर्म तो कभी कोई धर्म अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता रहा है। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देते हैं। राज्य का मतलब यहाँ पर किसी देश की सरकार से लिया गया है, यानी किसी देश की सरकार अपने देश में किसी एक धर्म को अधिकृत रूप से मान्यता प्रदान करता है तो वहाँ दूसरे धर्मों के साथ अत्याचार होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं धर्म निरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। यानी भारतीय संविधान में सभी धर्मों को अपने धार्मिक विश्वास और तरीकों को अपनाने की छूट दी गई है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। यानी भारतीय राज्य या भारत सरकार ने धर्म और राज्य को दोनों को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। यानी राज्य अपने आप को धर्म से अलग रखता है, यही अवधारणा ये धर्म निरपेक्षता कहलाती है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी ऐसा क्यों जरूरी है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए। एक लोकतांत्रिक देश में धर्म को राजसत्ता से अलग रखना बहुत जरूरी है। इसका कारण अगर धार्मिक आधार पर लोकतांत्रिक सरकारें चुननी शुरू हो जाती है तो वहाँ अत्याचार बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो दुनिया के लगभग सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि बहुसंख्यक लोगों की अगर सरकार बनती है तो राज्य के आर्थिक संसाधनों का और अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यक लोगों को परेशान कर सकते हैं। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। यानी ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अगर बहुमत वाले जो धर्म है उसके लोगों को अगर सरकार बनती है तो वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यानी लोकतंत्र में सभी धर्मों को अपनाने की छूट दी जाती है और भेदभाव अगर वहाँ होगा तो फिर ये अधिकार का उल्लंघन होगा। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों की धार्मिक चुनाव के आधार की रक्षा करनी है। लोकतांत्रिक समाज में क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखा गया है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि लोग अपना धर्म का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अगला है भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है, यानी भारत में धर्म निरपेक्षता को किस प्रकार अपनाया गया है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनका ख्याल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही रख सकता है। तो ये कौन कौन से बिंदु हैं? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, यानी आपस में एक दूसरे को दबाने का प्रयास न करें। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, यानी
कई बार देखा जाता है कि एक ही धर्म के लोग अपने धर्म के दूसरे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो। और तीसरा है, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, यानी राज्य अपनी तरफ से किसी धर्म को लोगों पर थोपेगा नहीं और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है उसको भी नहीं छीनेगा। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। मुख्य बात यह कि भारतीय सरकार, भारतीय राज्य का अर्थ यहाँ आपने बोले ना भारत सरकार है, वो खुद को धर्म से दूर रखते हैं। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है, न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती, यानी ऐसी कोई इच्छा नहीं की जाती है कि ऐसी जगहों पर किसी एक धर्म को प्रोत्साहन दिया जाए और उसका प्रदर्शन किया जाए। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं और धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये नियम निजी विद्यालयों पर लागू नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति, यानी हमें किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने तथा धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है, यानी कुछ ऐसे धर्म होते हैं जिनकी अलग मान्यताएं होती है, तो उनकी मान्यताओं के अंदर अपने को हस्तक्षेप नहीं करना है। तो इसका शब्द उदाहरण है, सिख धर्म के लोगों के पगड़ी पहनने की प्रथा के कारण दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट, यानी दुपहिया वाहन जब हम चलाते हैं तो हमें हेलमेट पहनना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं सिख धर्म में पगड़ी पहनी जाती है, सिख धर्म के लोग पगड़ी पहनते हैं तो उनको हेलमेट पहनने में दिक्कत आती है, तो सरकार ने क्या किया, विशेष छूट दे दी है सिख धर्म के लोगों को, हेलमेट पहनने से विशेष छूट दे दी। अब आगे है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। अभी ऊपर हमने दूसरा तरीका जो देखा था मैं तो था अहस्तक्षेप, और अब है हस्तक्षेप का तरीका। इसमें हम धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, यानी ऐसी गतिविधियां जिसे धर्म में भेदभाव हो रहा हो तो वहां पर क्या करेगी सरकार, वहां पर सरकार हस्तक्षेप करेगी। राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, यानी यहाँ पर हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है, ऐसी भेदभावपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए और उनको खत्म करने के लिए जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। तो निचली जातियां होती है जो समाज का सिस्टम बनाया हुआ है उसमें, तो ऐसे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन अगर हो रहा हो तो वहां पर सरकार हस्तक्षेप करेगी और उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, यानी कुछ ऐसे धार्मिक कानून होते हैं जिसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन माता पिता की संपत्ति है, माता पिता की जो संपत्ति उसमें संतान का बराबर हिस्सा होता है और उसके लिए राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, ये अधिकार इन धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आज धार्मिक भेदभाव है उनका उल्लंघन बंद हो गया, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। अन्य तथ्य, इस पाठ में कुछ अन्य बातें भी आई है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पाठ में बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आता है। ये जो शपथ लेते हैं वफादारी की शपथ, इसमें ईश्वर की छत्र छाया जैसे शब्द आते हैं। अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, यानी बच्चों को छूट दे रखी है। अगर किसी बच्चे के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले ये शब्द आते हैं तो वो इनको दोहराने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगला बिंदु है,
फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाकर यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुरका, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रूस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। यानी फ्रांस सरकार ने ऐसे प्रतीकों आदि को पहनकर स्कूल में आने के लिए बच्चों पर रोक लगा दी। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इन कानूनों का काफी विरोध किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में धर्म निरपेक्षता की समझ अध्याय को पढ़ा। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो समय पर आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।